पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तराखंड सरकार पर लगाए आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक तरीके से निकाय चुनाव को पीछे धकेला है, संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन किया है। लोकतंत्र के अवमूल्यन की परंपरा भाजपा द्वारा शुरू की गई, जो केंद्र से होते हुए पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है। आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार में सर्वाधिक संवैधानिक संस्थाओं का अवमूल्यन हुआ है, चाहे वह न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग या सीएजी, यह चिंतनीय है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह सरकार को निर्देशित करें कि आयोग से बातचीत कर निर्धारित समय पर निकाय चुनाव कराएं। कहा कि केंद्र सरकार संविधान का अवमूल्यन कर रही है, संविधान निर्माता बाबा साहेब की भाजपा शासित राज्यों में मूर्तियों को खंडित किया गया है। उन्होंने SC ST एक्ट पर संशोधन मामले में सरकार पर उदासीनता रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। हरिद्वार से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। राज्य सरकार ने षड्यंत्रपूर्ण तरीके से नगर पंचायतों, नगर निकायों के चुनावों को पीछे धकेला है और ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, इन चुनावों में आसन्न हार को देखते हुए किसी तरीके से चुनावों को टाल देना चाहती है और उसको टालने के लिए इन्होंने संवैधानिक संस्था का जिस प्रकार से अवमूल्यन किया, अपमान किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। तो हमारे राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास के लिए एक दुखद प्रसंग है और चुनाव आयुक्त ने स्वयं कहा है कि सरकार ने पहले परिसीमन को इस तरीके से लटकाया कि समय जाया हो जाए, फिर आरक्षण का रोस्टर बना करके नहीं दिया, चुनाव करवाने के लिए जो लॉजिस्टिक सपोर्ट हमने मांगा वो हमको नहीं दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं मिलना चाहता था और मुझको समय नहीं दिया, जिसकी सफाई में सरकारी प्रवक्ता ने कहा नवंबर में समय वो मुख्यमंत्री से मिल गए थे, जबकि नवंबर में खाली सुगुहाड़ थी चुनाव और जिस समय वास्तविक चीज़ें निर्धारित होनी थी उस समय न मुख्यमंत्री मिले, न मुख्यमंत्री का कार्यालय ने कोई सुनवाई दी। तो जिस तरीके से अवमूल्यन और अपमान दोनों किया गया है, राज्य में एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है और मैं समझता हूँ कि ये राज्यपाल महोदय यदि इसकी कॉन्फिडेंस लें और सरकार को निर्देशित करें कि वो समय पर पंचायतों के चुनाव सुनिश्चित करें।